मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मूसलाधार किया हो रामा गोकुला में चल कारण हो राम किया हो रामा गोकुला में चल कारण हो राम हो रामा गोकुला में चल कारण हो रा। अरे परख बड़ा खावा मुसला धार देबुना या हो रामा डूबल चाहे रन हो रा हो रामा डूबल चाहे रन हो रा
तीन घंटा से तो बैठल बानी। सर सर वो क्या बात है? सर हम बूटन माझी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं सर, हमारे बहन के साथ रेप हुआ है। तो हम क्या करें, बैठ करके उसका इलाज करें? तुम लोग अपनी बहन का रेप करवाते रहो और पुलिस तुम लोगों के पीछे भागती रहे, ए करम हुआ जी। ले जाओ इसको, ले जाकर बैठाओ उधर। सर सर हमारी बात सुनिए सर, एक मिनट। हाँ चल। मुंह में दही जमाए का बोलती काहे नहीं है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बुरा बुरा काम कहले बा हमरा साथे। अच्छा, का बुरा काम कहले बा? हमार बेटी की माटी खराब कर देलन सा, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। रात में बेटी के सैर करे खातिर गेल रहू, का करे गई ले खेत में? दिशा मैदान खातिर गेल रहे। के रहे? मुखिया जी के भतीजा, बहुत दिन से हमरा बेटी के पीछे लागल रहे। तो हर बेटी को नौ अप्सरा है कि मुखिया जी का भतीजा एकरा पीछे लागल रहे? एढ़े खसाला सब कांड करवा के चलाएगा थाना में, जैसे यहाँ बाप के जमींदारी लिखल है। इसका क्या करें सर? बयान ले लो, लेकिन केस अभी दर्ज मत करना। कहो भोला बाबू, क्या बात? सब ठीक है, भैया जी से मिलना था। बस एक बार माफ कर दी मालिक, दोबारा गलती ना हो दे। बस एक बार माफ कर दी मालिक, माफ कर दी मालिक, माफ कर दी मालिक। गोली के आवाज? बकरी भी आयल बा, ओकरे खुशी में काका जी फायरिंग करता रहे। गाड़ी पकड़। आई आई है दरोगा। हाँ जी। अरे चाय पानी का इंतजाम कर। हाँ बैठिए, काका जी को देखते हैं। हाँ मुखिया जी। बैठिए। वो कहा है भाई जी की आपके गांव की एक छोकरी आई है थाना में, कहती है कि आपके भतीजे ने उसके साथ रेप किया। अरे तो कौन बड़का बात हो गया, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रेप नहीं मर्डर हो गया। छोकरी हरिजन है मुखिया जी, केस दर्ज हो गया तो मामला सीरियस हो जाएगा। अब हमरा हाथ में कुछ नहीं है मुखिया जी, कुछ कीजिए। राड़ी अभागी, ये कुकरम करवा के मर कहीं गई ले, उगरे कुया में कूदे मर जाते। अरे माई ये क्या कर रही थी? अरे इमे कर कौन दोष है? नारे दोष तो हमार है कि ये बेटी पैदा कर दी। अरे तो जन्म देते नू का ही ना चटा दे ले रही। ई देश में तो वैसे भी बेटी भैल पाप है। चल चल मत रो, हमार तो करम जर गई। ये कहा सुनाता नहीं हम कहे का भैल? पुटना के बहन के साथ का कैल है तू लोग? पता ला कब अकल आई तू लोग? अरे जब जानवर के नादी में मुंह मरवे कैल तो दो चार को पैसा फेंक के मुंह साफ कर लेवे के चाहिए ना।
जाके बैठल भी थाना में। वो एक नंबर के छिनारी है, घाट घाट के पानी पी ले भी है। बस ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जाके समझावा ओकरा, ना माने तब एकरा माई के दरोगा गाड़ी निकाल। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, नहीं तो वर्दी खोल दो, 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 बलात्कारी को फांसी दो, नहीं तो वर्दी खोल दो, बलात्कारी को फांसी दो, नहीं तो वर्दी खोल दो, खोल दरवाजा, खोल। ये रात में के बा? अरे दरवाजा खोल। भाई गोली बंदूक लेके आए भाड़ से आए हो दादा, उठा जल्दी उठा। एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो वर्दी खोल दो, बलात्कारी को फांसी दो, नहीं तो वर्दी खोल दो, एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो वर्दी खोल दो। हे राम, ए तू उधर देख, एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो थाना छोड़ दो, एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो थाना छोड़ दो। क्या बात है, 24 घंटा से बेसी हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज काहे नहीं हुआ? तुम्हारे कहने से एफआईआर दर्ज हो जाएगा, पहले तुम्हारी बहन का मेडिकल रिपोर्ट आएगा कि रेप हुआ है कि नहीं। जब लड़की कह रही कि रेप हुआ है तो आपको एफआईआर दर्ज करने में क्या आपत्ति है? तुम्हारी बहन कोनो देवी देवता है कि उसके कहने पे केस दर्ज हो जाएगा? तुम सब लोग यहां से निकलो, नहीं तो तुम सब लोग कुत्ते की तरह मारे जाओगे। जल्दी कर माई, माई जल्दी चल माई, अब आपसे जल्दी कर भागा। माई, जल्दी कर, नदी पे गई हुई। पति जिंदा चाहिए तो मुंह बंद रखिया,
बेटो जी बेसी पर पड़ा है तो बेसी फड़फड़ाई बो तो नोच के रख देव। तू लोग के तो मती मारल गई बा जौन कुछ कर रहा बड़ा तू लोग मालूम बा ओकर का नतीजा होई। नतीजा के अब चिंता केकरा बा अब जे होई से होई। बुर्बक जैसन बात मत करा लोग। बरका जात वाला से लड़ाई मोल लेके कुछ ना मिली। गाय बकरी जैसन मराई लोग। ए काका हमनियों को कोनो चोड़ी पहर के ना बैठल हैं सा। मैट्रिक पास बाड़ा ना बड़का बड़का बात तो करबे करवा। एसपी थाना पुलिस सब के हुआ है। का भेल तो का चाहता नी मुंह बंद करके बैठ जाई सन। ए काका माई बहन की इज्जत और जान से अब केकरो ना खेले दे। वो जमाना गई जब द्रोणाचार्य के कहले पे अकलब्य अंगूठा कटवा ले रहे। का बात बा? दरोगा जी बुलाए हैं थाने पर चलो। ऐसन का बात भैल की थाना? एक मिनट चाचा रवा चिंता मत करी हम थाने हो क्या वतन। काकी काकी अरे का भैल हम कहे त चिल्लत बड़ा। बुटन काका का पुलिस उठा के ले गए। का साला तुम्हारी बहन का बलात्कार हुआ तो तू हमरा वर्दी उतरवा देगा थाना में आग लगा देगा। आज हम तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे और तू चुप रहेगा। ए रतन सिंह जी 600 साले के पिछवाड़े में जरा डंडा तो देखे ही साला कितना बड़ा इज्जत वाला है। यस सर। जब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन जब हैरान भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं। जब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं। अजब हैरान हूँ भगवन अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे मनाऊं मैं।
का भइल? कुछ नहीं के भइल हमरा। उ त ऐसे ही पूछताछ करे के बोलवले रहे। हाँ आवा चला। हम पानी लेके आवतानी, हाथ मुंह धोली। का भेल? ऐसे का देखत है? पता न कहे आज उ दिन बहुत याद आ रहा बा, जौना दिन तोहरा के भी आके घर में ले आयल रही, पंडित जी के सामने वचन देले रही कि हर कीमत पे तोहरा के सुरक्षा दे, सम्मान की जिंदगी दे। लगा था वो वचन अधूरा रह गेल। काहे? हम तो खुश हैं। हमरा खातिर एगो काम करबो। का? वो साड़ी पहन के आवा ना, जौन भी आके पहला रात पहन ले रहो तोरा के वही रूप में देखे के मन करा था। बाटे आज हो का जाने का हो गई बाटे।
सवेरे सवेरे रवा कहाँ जाता नी? जाए के पड़ी, जरूरी काम बा। ऐसन कौन जरूरी काम आ गई कि सवेरे सवेरे? कुत्ता बिलाई की जिंदगी अब ना जी, अब हम हर्जा नहीं, हम कोनो कुत्ता ना, सम्मान से जिए के हमरो अधिकार है, और अब वो अधिकार लेकर आब हम। हमार बात मानी मत जाई रहुआ, हमार मन कैसे दो करता, अगर रुआ के कुछ हो गए तो हम कैसे जिए? ना हम ना जाए देव रुआ के, ना जाए देव। अब हमरा क्यों ना रुक सके रुकिया, रुआ हमार के लिए रुकिया, अपमान की जिंदगी से बेहतर है मर गई, समझ तो राला मर गई हम। मिनट, किसे मिलना है? एसपी साहब से मिलना है। पीए साहब से परमिशन लिए हैं? बुटन माजे हम, मास्टर जी, जाके बोलिए उनको। अरे तो तू का कौनो लॉर्ड गवर्नर है जो तोरा नाम सुनते ही साहब सलामी ठोकेगा? चलो किसको यहाँ से? ए, पब्लिक है हम, काहे नहीं मिलने दोगे? ए, का बात है? साहब से मिलना है। ए, दुबे जी, इनको पीए साहब से मिलवा दो, साहब से मिलने आए। चलिए। इसी के बहिनिया के ऊपर चढ़ गया था मुखिया जी का भतीजा, इसलिए मिलने आया होगा। हमको भी उतना ही इज्जत से जीने का अधिकार है जितना आपको। आदमी के योनि से जन्म लिए हैं, कोनो जानवर के नहीं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हर काम का एक तरीका होता है। और ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका गया भाड़ में, हमको रिजल्ट चाहिए। बकवास मत करो, तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? नो, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। गेट आउट? गेट आउट होने के लिए नहीं आए हैं, इंसाफ चाहिए हमको। ना तो गोली मार दे। बेतिया में सरेआम पुलिस अफसर का हत्या हो रहा है, वो भी पुलिस मुख्यालय में।
आप तो जानते हैं सर, पूरा इलाका नक्सल इफेक्टेड है और नक्सली आए दिन वहाँ वारदात करते रहते हैं, खासकर पुलिस और थाना उनके निशाने पर हैं। और आप लोग चुपचाप निशाने पर हैं। सर हम तो कब से चिट्ठी लिख रहे हैं गृह मंत्रालय को कि पुलिस का एक विशेष अभियान चलाया जाए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, लेकिन गृह मंत्रालय है कि बकवास मत कीजिएगा। आप सरकारी अफसर लोग खाली फैले बनाइएगा, कीजिएगा कुछ नहीं। सर हमारे ख्याल से लहरियासराय के एसपी अजय सिंह को बेतिया भेज देना चाहिए। उससे कहा होगा? इसका क्या गारंटी है कि उसके वहां जाने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? बहुत डायनेमिक अफसर है, बहुत अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है सर, पिछले साल उसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। आजे के आज उसको लहरिया सराय से रिलीज कीजिए और बेतिया रवाना कीजिए फौरन। सर, प्रदीप शर्मा सर, लेट अस मूव। सभी लोग आ गए हैं? जी सर। प्लीज टेक योर सीट। मैं अजय सिंह, एक खास जिम्मेदारी के साथ हमें यहां भेजा गया है टू फाइट नक्सल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे। सदियों से गरीब और दलित जनता के खून चूसने वाली दमनकारी सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ आज से जंग का ऐलान है। ये नक्सलवादी जो स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, उन्हें हर हाल में रोकना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। बी रेडी टू फाइट, रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। या तो इज्जत का जिंदगी जिए के बाद, ना तो रणभूमि में अपन जान देवे के बाद। तैयार? अरे भोला बाबू, का बात बा? दरबार में आए हैं साहब, अर्जेंटली बुलाए हैं। अच्छा, साहब ऑफिस में बैठे हैं, जाइए। ठीक। पिछले एक साल में हरिजनों के खिलाफ सबसे ज्यादा वारदात हुआ है आपके थाना में, तीन तीन नरसंहार हो चुका है आपके थाने में, किसी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, एफआईआर तक नहीं हुआ। जान सकता हूं क्यों? सर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी आदमी आगे बढ़कर गवाही देने को तैयार नहीं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? पकड़ी गांव में खर्जे लड़के के साथ बलात्कार हुआ, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उस केस में सर उसी लड़की का भाई है बूटन मांझी, जिसने पिछले एसपी साहब का मर्डर कर दिया। सर आप अभी यहाँ नए नए आए हैं, आपको यहाँ के लोगों का मालूम नहीं है, यहाँ के लोग बात बात में कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, ऐसे में भला पुलिस क्या कर सकती है? आपके बहन के साथ बलात्कार हो जाए, न्याय न मिले, क्या करोगे आप? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे साथ काम करना है तो काम करना होगा, वरना अपना ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाओ। सर 20 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए, आज तक सीआर में कोई दाग नहीं लगा, लेकिन अब लगने वाला है, सावधान हो जाओ। जा सकते हैं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो कि पुलिस के वर्दी पर दाग लगे ये हमको बर्दाश्त नहीं। माल कमाए के चक्कर में देखनी है, चेहरा एकदम उतर गया। बात सुन बहुत, तोहरो चेहरा उतर जाए। बैठी। नया एसपी आयल बा, पिछला सब केस फिर से खोल रहा बा। अच्छा तका भाई, हमनियो को चूड़ी पहन के नहीं से बैठल। बुर्बक जैसन बात मत करो, पुलिस के चैलेंज का इतना आसान काम नहीं खे, जौन दिन चाहिए सा वही दिन टांग लिहन सा। भाई।
का बात है? जी प्रणाम। बड़ा रात तक बैठ के चला था। नयका एसपी भोला बाबू के बहुत तंग कर लेवा। चिंता मत करा, हमरा रहते कुछ हो ना भाई। वो कहा कि राहुल पिछला केस के लेके एक बार मिले तो था, सब रास्ता पे आ जाए। वह अपने जात बिरादरी का, बेफिक्र रहा। अच्छा था हम चला था नहीं, रहुआ सब देख ले। दरोगा जी, काले पुलिस मुख्यालय चले के इंतजाम करा। जी भैया जी। एक मिनट भाई साहब, किससे मिलना है? मुखिया जी को पहचानता नहीं का? नया आया का साला। एक मिनट, किससे मिलना है? एसपी साहब से। पीए साहब से परमिशन लिया है? मुखिया को किसी से मिलने के लिए परमिशन का जरूरत नहीं होता है, समझे? अरे एक मिनट सुने तो सही। प्रणाम एसपी साहब, हम मुखिया जी एक्स एमएलए। तुम बाहर जाओ। हम नहीं, आपका तबादला यहां मुख्यमंत्री से कहके करवाया है। अच्छा नहीं किए तुम हमारा ट्रांसफर यहां करा के मुखिया। काहे? हम कुछ समझे नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है मुखिया, तुम्हारा खेला बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। खेल शुरू होने के पहले ही खेल का नतीजा बता रहे हैं आप। ना, अच्छे खिलाड़ी नहीं है आप एसपी साहब। अरे भाई, खेल तो अब शुरू होगा। गलत, खेल तो बहुत दिनों से खेल रहे हो तुम लोग, आदमी के शिकार का खेल। कहना क्या चाहते हो तुम? डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। बूटन मांझी के बहन का रेप तुम्हारे भतीजे ने किया, तुमने उसको बचाने के लिए उस लड़की का मर्डर करवा दिया, यहां तक कि थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दिया। अंधेरे में हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा एसपी। होने को तो एक मिनट में हवा पानी बंद कर दूंगा मुखिया। एसपी, तुमसे पहले कितना एसपी आया गया, मुखिया का कुछ नहीं उखाड़ पाया। हम उखाड़ के दिखाएंगे तुमको। आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए, शायद तुम मुखिया का कुछ उखाड़ पाओ। बड़ा उम्मीद से आए थे हम, सोचे थे कि साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन आप तो पहले ही से खारखाए बैठे। खैर हम चलते हैं, कोनो काम आए तो जरूर याद कीजिएगा, कभी पीछे नहीं हटेंगे। प्रणाम। यही घर है सर। केहू भीतर बा? बोली का काम बा? कंतिया के साथ का भइल? यह जाने खातिर हम आइल बनी। अगर आप पुलिस के सहयोग नहीं करब तो पुलिस अपन काम कैसे करी? और फिर चुप रहे से इंसाफ नहीं हुई? इंसाफ आज ना तो कल होए भी करी, बाकी हमें पुलिस की मदद ना चाहिए। बूटन कहाँ बढ़े? ई पता कैल पुलिस के काम है। वो तो हम पता करिए ले, लेकिन जोने रास्ते पे उगल बढ़े ओकर परिणाम अच्छा नहीं हुई। बूटन के बोली वापस आ जाए, उनकर हर लड़ाई लड़े खातिन हम तैयार बने। और कुछ कहे के बा? जी नहीं, बस हमारा संदेशा उनके तक पहुंचा दे।
जी आने वाले थे, आए कि नहीं? कहाँ है? Ah!
वर्मा। यस सर। अंदर देखो कोई है कि नहीं। राइट सर। शर्मा जी। जी सर। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। रतन सिंह सर। क्या हुआ? नक्सली हमला हुआ था सर, HSO साहब को गोली मार दिया और सब हथियार लूट के ले गया। थाने में नाच गाना कैसे चल रहा था? जी, रामनवमी के समय हर साल यहाँ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होता है। गाड़ी बिठाओ। जी सर। नाम आउट। चलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भूटन माझी बोल रहे हैं मास्टर जी। ये नंबर कहाँ से मिला? पुलिस के एक एक चीज का खबर है हमको। रणभूमि में निहत्था नहीं उतरे हम। और हाँ, हमारे तरफ से पहला चैलेंज है तुमको। इतने ही शौक है चैलेंज देने का तो सामने क्यों नहीं आते? आएंगे, सामने भी आएंगे, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। इतना जल्दी का है? कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते तो अपनी जान से हाथ धो बैठो। जीने मरने की धमकी किसी और को देना एसपी, हमारे जैसा आदमी हर दिन मरता है और दूसरे दिन पैदा होता है। तुम अपनी चिंता करो। तो हर चैलेंज स्वीकार पा मास्टर। चलो निकलता हूँ। ओके सर। गुड नाइट। गुड नाइट। 11 बज गई। दुल्हीन। ए दुल्हीन। जी माँ जी। छोटका सुत गई बा, एकरा के बिछौना पे सुता दा। बड़का बाबू आइलन की ना? कहाँ आइले अभी तक? राउर सुते के समय हो गई बा, जाके सुत जाई। जाता नहीं हो? न खाए के ठीक, न पिए के, बस दिन रात काम के पीछे बौरात रहलन। पापा आ गए। ओह माय गॉड। हेलो। अच्छा बेटा, अभी तक जगे हैं? हम आपसे बात नहीं करते, आप हमारे गंदे पापा। आई एम सॉरी बेटा। वो क्या था ना, कल मैं बिल्कुल टाइम से आ जाता, बिल्कुल अचानक एक बहुत बड़ा काम आ गया। बट आई प्रॉमिस, कल हम लोग बाजार घूमने चलेंगे एक साथ। पक्का पक्का पक्का, विदाउट फेल। कम से कम बच्चा से तो झूठ मत बोलिए। हम भी आपसे कटिस कटिस कटिस। खाना टेबल पर लगा है, खा लीजिएगा। सब गर्म भा, खाए के तो जरूर पड़ी आज। गुलाबी नैन शराबी, ऐसे केसिया खोल के जियरा खूब जरावत बाड़ू, बिख धर बोली बोल के हमरे नैन से नैन मिला के
एक बात बतला दा तू, प्यार के माने कैसन होला, हमरा के समझा दा तू। हम सपना सजौले बानी मनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया सवनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया सवनवा में। हम सपना सजौले बानी मनवा में, हम सपना सजौले बानी मनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया सवनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया रे सवनवा रूपवा के रस में रसाइल रहिले कारी, गजरारी अखियन में भुलाइल रहिले तोहरे। रूपवा के रस में रसाइल रहिले कारी, गजरारी अखियन में भुलाइल रहिले। झूठे बतिया बनाई के फसा बतिया बनाई के फसाएल हल तू, हमके चढ़ली जवानी छचनाई दी हल तू। झूठे बतिया बनाई के फसाएल हल तू। रोजे तोहरा बिना तड़पीले सपनवा में, रोजे तोहरा बिना तड़पीले सपनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया सवनवा में, आज छोड़ब नहीं गोरिया सवनवा में। सर, मुखबिर से खबर मिला है कि बलुआ बाजार में नक्सलियों का पंचायत लगने वाला है और वहां मास्टर भी जरूर आएगा। मास्टर की तस्वीर है क्या पुलिस रिकॉर्ड में? नहीं सर, लेकिन मुखबिर उसको पहचानता है और वो हम लोगों के साथ रहेगा। कॉन्फिडेंट? यस सर। एक काम करेंगे, अपने लोगों को सादे वर्दी में चारों तरफ फैलाएंगे। जी सर। और हाँ, बिना मेरे परमिशन के एक भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर मुझे जिंदा चाहिए। तैयारी हो गई बा? हाँ सर। हम चाय की दुकान में बंद। जी। दिखल अभी ना। एक बढ़िया चाय बनाओ। जी बैठ। चीनी थोड़ा कम। ठीक है। नमस्कार बाबू साहब। पहचान नहीं हमरा के? तो कैसे पहचान ला हमरा के? छोटा आदमी के रहुआ ना पहचान, बाकी हम आपके पहचान गए। थूके रहुए गांव के रह वाला है, एक बार कोशिश करी शायद पहचान ले।
गांव छोड़े बहुत दिन हो गिल ना, नावती तो पहचान जाए। सरसतिया के बेटा है। सरसतिया तू भूटन हरी 22 साल बाद मिल रहा बनी जाऊ। 22 साल का करता रहा? बस जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा बनी। घरे आवो, तार बड़की माई तोके बहुत याद करे ली। तोरा से मिली है ना, बहुत खुश हुई है। बड़की माई से मिले आई जरूर, आज थोड़ा मुश्किल बा। अच्छा हम चला था नहीं। पता ले तबे तो बा। आप चिंता मत करी, हम पहुंचे। भगवान की लीला भी गजब बा। सर सर पूरा मास्टर मास्टर बड़का बबुआ से कहा तनी एक दिन रघुनाथपुर चले के तुहू गांव देख ले बू, साथ में अंबिका भवानी के ममता भी पूरा हो जाये। काहे कि हम छोटका खातिर ममता मांग ले रहे। माँ जी रघुनाथपुर से कोई आइलबा मिले इतनी रात को, बोलो कल सुबह आने को। सुना अरे नाम ना पूछ लहा। नाम तो ना बताइलस, कहा था माँ जी जानी ले उनका के। अच्छा ठीक बा, उनका के बैठावा, हम अब वहीं आवा तनी। जी गांव के कोई जाने पहचान के होई। के हा? जानी हम के आई। आंख पर पट्टी बांधल रही तब वो मतारी अपन बेटा के पहचान ली। प्रणाम बड़की माई। जुग जुग जिया। पता चलल हरुआ ही आई, मन ना मानला मिले चले लिया। अच्छा कैला, बहुत दिन देखला हो गए रहे तोहरा के। खड़ा काहे पड़ा, आवा बैठा। आई ना गांव के का हाल चाल बा? रोवा गांव छोड़ के गई नहीं उकरा 21 साल के बाद हमनी के भी गांव छोड़ देनी जा, ननिहाल में आके बस गई नहीं। सरसतिया की का हाल चाल बा? माई तब दुनिया में ना रहली। ओह भगवान ओकरा आत्मा के शांति दे, वो बहुत सेवा कैले रहे हमार। दुल्हीन, ए दुल्हीन जी।
प्रणाम। ई तुहार भौजाई लगी हैं, बड़का बबुआ के मेहरारू। इनका के तम देखते पहचान गेनी, कितना सुंदर हमार भौजाई हो सकेली। हमरा के ठीक से देख ली, हम बूटा नहीं, रावर छोड़ देवर। अरे हाँ, वो बेटा कहाँ बा? सुत गईल बा, हम चाय भेजत आनी। हाँ, खाली चाय से काम ना चली। अरे तो बैठ, यो तो तोहरे घर है ना, खाना खा के जाई है। आज ना माई, फिर कोनो दूसर दिन आए, पेट भर के खाना खाई, आज जाए दे। बड़का बबुआ अभी आवते हुईन, तोहरा देखें तो खुश हो जाइन, तू मिल के जाई है। भाई से थोड़ा फुर्सत में मिलब, आज थोड़ा जल्दी में बनी। ठीक से जाइ, रात ढेर हो गई बा। तो चिंता मत कर माई, अभी हमारा बहुत दिन जिए के बा। माई से मिले आए नहीं। तोहर हिम्मत कैसे भेली है आवे के? मास्टर ना, बूटन के हैसियत से हमें आए रही, तोहर बचपन के दोस्त के हैसियत से। जौन दिन मास्टर के हैसियत से आई, ई सवाल वह दिन पूछिया। आज जाए दा हमरा के, तोहरा से मिले फिर कबो आई। बड़ा देर हो गई बबुआ, आपन गांव के बूटन आयल रहे, उहे सरसतिया के बेटा अबहीं गईल बा, तोहरा के खोजत रहे। खोजत तो हमू ही माई, कहे कि वो बूटन पहले वाला बूटन नहीं के रह गईल। कहे का हो गईल, कुछ कैला था का? देश और समाज के दुश्मन हो गईल बाटे, सरकार के तरफ से ओकरा ऊपर मौत के फरमान जारी भइल बा। ए बबुआ, बहुत एहसान बा ओकर हमनी के ऊपर, ऊ ना होई ता तुहु आज ना रहता। ऊ जान बचेले बा तोहार। अपने तरफ से ओकरा के बचे के एक मौका हमहू देव माई, अगर बात मान गेल तो ठीक, नहीं तो फिर हमरे यहाँ से ओकर खेला खत्म हो जाए। अरे अच्छा रात से बदराई हिलौलू ये गोरिया की फुफुती में खोसैलू रुमाल, अब मनवा करेला अब लेके यहाँ कवरिया में। अरे हे धाई करा गरती दूनो रे, अरे पियावा के जान गोरी पियरी रंगवली की पियावा सुतेला खरिहान, बड़ा रंगबाज बाटे गोरी के देवरवा। अरे हे रखा ले बा गोरिया के। लच लच के पातर कमरिया चले ली देह झक झोर भौजी पतर की। अरे लच 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 के पातर कमरिया चले ली देह
अभी पुलिस वाला है, पता तो करना पड़ेगा। नींद का बहाना भी हो सकता है, गुदगुदी तो होती नहीं, गुदगुदी तो होती नहीं, गुदगुदी 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 गुदगुदी। बेटा, कल हम और बेटा मार्केट जाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। लेकिन हम लोग खरीदेंगे क्या? यासी के पास एक कंप्यूटर है, हम लोग वो खरीदेंगे। यसी के पास जैसा कंप्यूटर हम लोग खरीदेंगे, लेकिन मुझे तो चलाना नहीं आता है ना। मुझे आता है ना। आता है? हम्म। तो हमको भी सिखा देना, हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे। बेटा, आप फिर अपने पापा को तंग कर रहे हैं ना। आपको पता नहीं आपके पापा कितने बड़े अफसर हैं? उनके पास किधर अपनी बीवी और बच्चे के लिए वक्त है। कल का प्लान पक्का। Okay.
क्या हुआ? कुछ नहीं, तू सुच जा। हम अवतार नहीं, भाई कोई बुरा सपना देख लिया का? बहुत बुरा सपना देख ली, देख ली कि माई संगे गंगा जी नहाए गेल बने, अचानक डूबे लगनी। हम बार बार बाहर आवे कोशिश करता नहीं और बार बार केहू के डुबावे कोशिश कर रहा बा। ऐसा लागल जैसे प्राण निकल जाए। भूटन के बारे में बहुत सोचत रही, यही से ऐसा सपना आवत बा। जन तड़ू, जब हम छोट रहनी तो हम सच्चों के पानी में एक बार डूबत रहनी, माई संगे ही गई रहनी गंगा जी में, और वो गरी हमरा के भूटन ही बचौले रहे। अच्छा अब ज्यादा मत सोची, आई चली। उठा के बिना देख सके रुकिया। जाता नहीं बताओ कहाँ देर भइल बा, लेके चक्र सुदर्शन आव अधसवा अंधेर भइल। इजाजत हो तो हम अपना केस आपके सामने रखें। बोला जाए। नक्सलाइट सब धमकी भरा खत भेजा है। क्या लिखा है उसमें? कहता है हमारे भतीजा को सब मार देगा। तो हमसे क्या चाहते हैं आप? हमारे भतीजा का रिसेप्शन है हमारे कोठी पर, हम चाहते हैं कि लड़का लड़की के सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। इतनी बड़ी सेना के मुखिया हैं आप, हथियारों की कोई कमी है नहीं, आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद नहीं कर सकते? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन पुलिस का कोनो फर्ज है कि नहीं? है ना, लोगों से कानून का पालन कराना, अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाना। उस लिस्ट में आपके भतीजे के साथ साथ आपका भी नाम शामिल है। तो कार्रवाई काहे नहीं करते हैं? अगर हमारे खिलाफ सबूत है तो अरेस्ट कीजिए हमको, ले चलिए कोर्ट
और अगर साबित हो जाए तो फांसी पर चढ़ा दीजिए। आपकी ये इच्छा भी हम जल्दी ही पूरी करेंगे मुखिया जी। हम इंतजार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, हमारे भतीजा के ब्याह में आपके मंत्री जी आ रहे हैं भोज खाने, कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए आ जाइएगा ड्यूटी पर। मंत्री जी का लोकेशन
कंट्रोल रूम से अभी अभी मैसेज आया सर। क्या? गृह मंत्री जी नहीं आ रहे। तुम ये रुको, देखना कोई गड़बड़ी ना हो। यस सर। टेक केयर सर। न थाना न पुलिस, न कोर्ट न कचहरी, तोर इंसाफ आज हम करब अपना अदालत में। बहन ही आदमी तो हर पति बने के लायक नहीं के, बलात्कारी है इकरम मरे के पड़ी। हमरा के माफ कर दो भैया, हमरा पे दया करी भैया, इनका के माफ कर दी। माफ कर दो, दया करी भैया, हमार सुहाग मत छीनी भैया, दया करी भैया। हम मजबूर हैं, हमरा के माफ कर दिया। पुलिस का फायर पावर से बेसी तो नक्सलाइट का फायर पावर है। जब मन करता है, जहां मन करता है आता है और काम करके निकल जाता है। आखिर आप लोग करते कहां हैं? सर उन लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग के नेटवर्क को कहां हो गया है? अजीब हाल है। चिट्ठी भेज के आया कि हम आ रहे हैं, तब भी आप लोग उस बच्चे की जान नहीं बचा सके। मुखिया आपसे सुरक्षा मांगने आया था, आपने उसे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, क्यों? मुखिया एक क्रिमिनल है सर, उसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। मैंने उसको सुरक्षा देना ठीक नहीं समझा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल है? और अगर क्रिमिनल है तो अदालत उसको सजा देगी, आप कौन होते हैं उसको सजा देने वाले? यही तो मुश्किल है सर कि हम मुखिया जैसे सफेदपोश लोगों को सजा नहीं दिला सकते। लगता है बुट्टन मास्टर से बहुत सहानुभूति है आपको। कहा लगता है वो आपका भाई? लगता है सर, हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं सर, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझता हूं। और सर मैं आपसे वादा करता हूं कि बुट्टन बहुत जल्दी पुलिस के शिकंजे में होगा, जिंदा या मुर्दा। साला मान में घुस के मारा है साला, सब छोड़ेंगे नहीं। जनता के अदालत के फैसला है कि 7 दिन के भीतर मुखिया के 6 इंच छोटा कर दिया जाए। कल रात को सब हमारे घर पर फेंके गया था। मामला तो सीरियस लग रहा है, बोलो तो 4 को सिपाही तुम्हारे दरवाजा पर खड़ा कर देते, पर उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जान तो नहीं बचेगा ना? तो हम क्या करें ये तो बताइए। हमारी बात मानो तो किसी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, और आज के डेट में तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान एक ही है, भितरामपुर सरकारी जेल। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर दर्जनों केस है थाने में, किसी पुराने केस में कोर्ट में सरेंडर करो। मंत्री जी अगर हम जेल चले गए तो आपको पता है ना कि क्या परिणाम होगा? जिंदा बचोगे तब परिणाम देखोगे ना। जाओ, जाके पहले अपना जान बचाओ। प्रणाम प्रणाम।
मनुवादी साले, रस्सी जर गया, बाकी ऐठन नहीं गया अभी तक। मरो साले। मम्मी हम भी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबू संभाल के चलो, देखो तुम गिर जाओगे। आराम से बेटा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, छोड़ बाबू। मम्मी बचाओ, मम्मी छोड़ो मुझे, मम्मी बाबू, बाबू। अजय, हमार बबुआ के बाबू, धीरज रखा, कुछ नहीं हुई बाबू के। वर्मा सर, सभी थानों को अलर्ट कर दो, शहर से आने जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दो और एक एक गाड़ी को चेक करो, वो शहर से बाहर नहीं गया होगा। राइट सर। एक मिनट, कोई फोन नहीं उठाएगा। वर्मा सर, फोन ट्रेस करने का इंतजाम करो। दोबारा फोन करेगा, जल्दी करो। राइट सर। मैं फोन उठा। प्यार से बात करिए और कोशिश करके थोड़ा देर तक बात करिए। हेलो। हाँ बूटन बोला था नहीं, बड़की माई पा लगी, राउर संदेशा मिला लमके, का बात बा, कहे याद के नहीं है? बुटन बेटा तू ही का कहला? हमरा मालूम रही तोहरे काम बा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ला बुटन, अजय सिंह अपना फर्ज के बीच में बेटा के नहीं आवे दिए। हम समझनी ना, ये हमरा तोरा बीच में बेटा कहां से आ गई? हम अपन बेटा शहीद करे खातिर तैयार बानी बुटन, लेकिन तोहरा के अपने अंजाम तक पहुंचा के छोड़ब ना। का कहता नहीं, अगर हमार बेटा के कुछ हो गई तो हम अपन जान दे दे, हम बात करब बूटन से। हेलो हेलो बूटन, हम रोहित के माई है, हमरा से बात करा। हेलो 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 कावेरी कंट्रोल, कावेरी अंबानी ना, हम देख ले, हमारा भी विश्वास बटे नहीं। ना
डर अपने दो साले को। साला हमसे चूहा बिल्ली का गेम खेलेगा। ए सुन, बच्चा को महतो के हवाले कर दो, पैसा वहीं मिल जाएगा। पर हां, किसी भी हाल में माल डैमेज नहीं होना चाहिए। चल फोन रख। अजय सिंह IPS। एसपी का बेटा किडनैप हुआ है और उसको शक है कि काम हम किए हैं। ये कैलस के मुखिया के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। साला एक के तीर से दो निशाना किया है। बाकी वो तो कोर्ट में सरेंडर करके जेल चल गई। फेरी काम जेले में बैठ के ऑपरेट किया है साला। रूपा पता कर अब वो बच्चा किसका हाथ में है। जी हर हाल में वो बच्चा हमको चाहिए। मम्मी मम्मी बेल दिया हाँ
की माई की फोन दा एक केम बोला था बूटन बोला था नी माई बउवा हमरे लगे सुरक्षित बा रउवा कबीरा मठ आ जाई और हां केहू से बताई मत जा बेटा मम्मी मम्मी बाबू बेटा बेटा पालगी बेटा हम तोहार ई एहसान कमहू ना भूलब ए माई बेटा माई खातिर कुछ करे तो वो एहसान ना होला हम तोरा कोख से पैदा नहीं की भाई लेकिन तू हमारी यशोदा माई हो जरूरत पड़ला पर हम तोरा खातिर जान भी दे सकीला हम जानत रही दुनिया कुछ कहे लेकिन हमार मन यही बोलत रहे कि हमार बुटन ऐसन कभू कुछ ना करी कुछ ना कर सकेला जय दे माई दुनिया की परवाह हम ना करें बेटा बड़की माई के बस एक और कहना मान ला का तू जौन राह पे चला तरह वो राह छोड़ दा हम इतने चाहतनी तोहरा से बस यह ना हो सकेला बड़की माई किसी से कोई चूक नहीं होनी चाहिए चारों तरफ से घेर लो सर चलो
चलतन। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो कूटन। तुम्हारे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। योर टाइम इज ओवर पुटन। बेटा तू जा बड़की माई, हमार चिंता मत करा। ना हम ना जाए तोरा के छोड़ के। जिद मत करा बड़की माई, हम कहता नहीं तू जा यहां से। बुट्टन के कुछ हुई तो हम अपन जान दे दे, ओकरा के जाए दे यहां से। माई तू बेवकूफी मत कर, हट जो बीच से। चलाओ गोली चलाओ, हम तो देखी कतना दूध पिए ले बनी हम तोरा के। तू समझत कहने की बात के। माई माई बुटन तू जा यहां से, ई तोहार बड़की माई के हुकुम बा। बुटन ऐसी गलती मत करे, बुटन ऐसी गलती मत कर। अजय तू यहां से हिलबा तो हम गोली चला दे। माई तू बात समझ, गलती मत कर। इस करा के उठा लिया इंसान। मास्टर के मेहरारू हो रुखिया। मरे सर नक्सलाइट हो, इमे मेहरारू के कौन दोस्त। अगर कोनो तकलीफ भइल हुई तो हम क्षमा चाहता नहीं। पिछला बार बुटन से कब मुलाकात भेज रहे? तोरा तो पता हो कि बुटन कहां जा ले, केकरा से मिले ले, कहां कहां करे ले। हमरा खातिर वो बहुत पहले मर गए ले। इसका कागज तैयार करो और डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दो। जी। भूटन इसकी तलाश में अपनी मान से बाहर जरूर आएगा। सर।
पहली बार आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। नक्सलाइटों ने एक के बाद एक बम विस्फोट कर पूरे शहर में दहशत का माहौल फैला दिया है और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। हम मास्टर जी आम जनता से हमारी विनती बा, क्यों अपने घर से बाहर ना निकली? आम पब्लिक से हमार कोनो लड़ाई नहीं थे, हमार लड़ाई सरकार से है। ऑपरेशन रेड हंट, शहर के सभी थानों को अलर्ट कर दो एंड बी रेडी टू मूव, ओवर। विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि इनकी तादाद सैकड़ों में है और ये अब जेल रोड की ओर बढ़ रहे हैं। थाना न पुलिस न कोर्ट न कचहरी, जनता के अदालत के फैसला बा। 6 इंच जब आवे
नहीं क्यों बता सकते। बस पहुंच गई बन जा। सोना तनिका देर जा रखा, हम इंतजाम करते हैं। हाँ हिम्मत रखा। ऑपरेशन रेड हंट सर, ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। हमने छोटी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। अब हम अटैक करने जा रहे हैं सर। अजय वेट, रात का समय है, उनको इंगेज रखो, सूरज की पहली किरण के साथ अटैक करो। ओवर। ओके सर। रुक जा।
आखिरी मौका दे रहा बनी सोच ल बूटन अपने आप के कानून के हवाले कर दा बूटन बस दुलहीन सबर करा हम तोरा के बचन देत बनी कि तोरा संगे इंसाफ होई तोरा संगे इंसाफ होई बूटन हम तो के बचन देता नहीं हम तो के बचन देता नहीं कि सरकार से हम बात करब तोरा खातिर बस अपने आप के कानून के हवाले कर दा बूटन चलावा गोली अभी भी मौका बटे पूछन अपने आप के सरेंडर करता हमके मजबूर मत कर हम कहता नहीं चलावा गोली हम तोरे बड़की माई के बचन देले बानी पूछन कि तो के एक मौका दे वह बड़की माई की कसम चलावा गोली अरे दुल्हन बेटा भैला बेटा बुटन भाई ए बुटन तू मार के भी और कभी जीत के नहीं इला दूध पिया दे माफ करिए बूटन हम तो कानून के गुलाम हैं रे कानून के गुलाम बाबू के मरने हम तो के जिंदा ना छोड़ो